हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री पर मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो पहली वीडियो मैंने डाली तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्लास टेंथ में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है और जिसमें पहली एक्सरसाइज 8.1 है। तो मैंने देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल एबीसी है ना, राइट एंगल एट बी, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए राइट एंगल समकोण त्रिभुज बना लेते हैं स्टूडेंट, ये ओके। अभी करें एंगल बी समकोण, मींस इसको हम बी ले लेंगे 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल, और इसे आप ए ले लीजिए और इसे ले लेंगे सी। बी राइट एंगल, ए एंड सी एक्यूट एंगल। नाउ ए बी इज बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनेज, हिंदी में बोले आधार, लंब और कर्ण। ओके, तो देखिए यहां पर हम नोट कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ओके एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, बेस ए बी कितना 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर कितना है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल भी 90 डिग्री, बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए हमने क्या करना है, इसकी हाइपोटेनस निकालनी है। देखिए साइन और कोस है, यानी कि टेन ट्रिग्नोमेट्री के रेशो निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, इसकी हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे। देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू, देखिए मैंने आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है हमारा 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी 7 का होल स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर इजकल टू 24 576। देखिए 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे देन 49, देन ए सी स्क्वायर इजकल टू 625। ओके, इसको इसको टोटल करेंगे 9 6 15 1 7 4 11 1 12 2 1 5 1 6, और हमें चाहिए वैल्यू ए सी की, देन क्या करेंगे 625 एंड स्क्वायर रूट। ओके, देन ए सी इजकल टू 25 मीन 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 25, देन हमारी हाइपोटेनस ए सी इजकल टू 25। वेरी सिंपल। अब देखिए हमें तीनों साइड मिल गई हैं, बेस आ गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हाइपोटेनस हमने निकाल ली,
अब सीधा हम साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी वैल्यू निकाल देंगे। चलिए देखिए कैसे। देखिए वेरी सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन है साइन साइन ए, साइन ए एंड कोस ए। ओके तो देखिए साइन ए ले लेते हैं सबसे पहले, साइन ए। अब देखिए अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा, जो मैंने आपको कल यानी कि इससे पहली वीडियो में दो फॉर्मूले बताए थे जो हम अपने आप बना लेते हैं। जैसे एक मैंने बताया था लाल बटे कक्का, या दूसरा मैंने बताया था जो अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है एसी, देन बीसी की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेनस की 25। ये हमारा हो गया साइन ए, वेरी सिंपल। भाई लो यहां पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं अगर आपको थोड़ा और इजी करने के लिए। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा 7 है, हाइपोटेनस हमारा 25, तो 7 अपॉन 25, 7 रेशो 25, ये किसका गया साइन ए की वैल्यू। कोस ए आ जाइए, कोस ए क्या है हमारा, देखिए आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, देन ए बी कितना है 24 अपॉन ए सी 25, ये हमारा कोस ए की वैल्यू आ गई। अब आती है बात साइन सी एंड कोस सी, चलिए इसके लिए देखिए सेकंड है हमारा साइन सी एंड कोस सी। साइन सी के लिए अब देखिए मैंने आपको बताया था हमारा अगर हम इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर हम इस एंगल के लिए निकालें तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा अगर हम इस एंगल के लिए लेते हैं तो देखिए ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। तो देखिए साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया ए बी एंड हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहेगा ए सी, देन क्या हो जाएगा ए बी कितना है 24 अपॉन 25, साइन सी हो गया। अब आ जाइए कोस सी, कोस सी के लिए भी वही होगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, देन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बी सी, हाइपोटेनस ए सी, देन ए बी सी कितना है 7 अपॉन 25। देखिए चारों रेशो की वैल्यू निकल के सामने आ गई साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। जी मैंने फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने हमें एक फिगर दी है ना, फिगर है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है। इन्होंने हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये फाइंड आउट करें टेन पी माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका बेस हो गया, बेस है ना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओके तो देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमने बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। ओके देन फाइंड आउट क्या करना है हमने क्यू आर बेस। चलिए यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम
छोरम क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर इन दोनों में से कोई एक साइड दी हुई है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर या बेस जो भी दिया उसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर। ओके क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, देन 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओके क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू 13 की 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 जा 169 एंड 12 जा 144। ओके 169 में से 144 को माइनस कर दीजिए, देन क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 25 एंड क्यू आर इजकल टू 25 स्क्वायर रूट, देन क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर, देन बेस हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके अब देखिए हमारे पास बेस भी आ गया है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस भी है, अब हम क्या टेन पी और कोट आर की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए कैसे, टेन पी माइनस कोट आर, चलिए वही अपना लेते हैं पी बी बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके सबसे पहले टेन पी की वैल्यू निकाल दीजिए, चलिए टेन पी ले लेते हैं, ये है टेन पी है ना, तो देखिए फॉर्मूला वो मैंने बताया पी बी बी अपॉन एच एच बी, टेन की वैल्यू पी अपॉन बी है ना, पी अपॉन बी में क्या है देखिए इस एंगल के लिए ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर। ओके तो देखिए पी परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया क्यू आर, क्यू आर अपॉन है ना, बेस कितना हो जाएगा पी क्यू मीन्स 5 अपॉन 12। ओके अब देखिए कोट आर के लिए ले लीजिए, कोट आर, आर ये है इसके लिए बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो देखिए कोट की वैल्यू क्या है जस्ट अपोजिट 10 है ना, कोट 10 का उल्टा होता है भाई, ये 10 हो गया, हम ऐसे चलेंगे साइन कोस 10 और ऐसे घूम के ऐसे आ जाएंगे, देन कोट सेक एंड कोशेक, तो कोट करेगा बी अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन, बेस कितना हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू इसकल टू क्यू आर कितना है 5 अपॉन 12। ओके देन वैल्यू रख दीजिए टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी की वैल्यू है 5 अपॉन 12। ओके माइनस कोट आर 5 अपॉन 12 देन 0 अपॉन 12 देन 0, ये इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। स्टूडेंट्स 8.1 के मैंने दो क्वेश्चन आपको कराए हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो एक दो क्वेश्चंस को आप भी ट्राई कीजिए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन आगे आपको कराऊंगा। बाकी और भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज से कराने हैं, बट फिर भी दो क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं आप इनको स्टेप बाय स्टेप बार बार मतलब पूरी वीडियो को एक बार देखें, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दें, तो आपको जरूर समझ में आएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे ही आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है, मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेजूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।